बिलासपुर में सीएम योगी की सभा से पहले बुलडोजर रैली निकाली गई। बीजेपी ने ये रैली निकाली और योगी के स्वागत में ये बुलडोजर यात्रा निकाली गई। बुलडोजर से सीएम योगी का स्वागत किया गया और ये वीडियो भी अब सोशल मीडिया पर आ चुका है। बीजेपी ने योगी के स्वागत में बुलडोजर यात्रा निकाली। यूपी में बुलडोजर बाबा के नाम से सीएम योगी जाने जाते हैं और जिनके स्पेशल स्वागत के लिए, जिनके विशेष स्वागत के लिए बीजेपी ने ये बुलडोजर यात्रा निकाली है। ये वीडियो आप देख सकते हैं, बिलासपुर का ये वीडियो है जब सीएम योगी के स्वागत के लिए, सीएम योगी के बिलासपुर आगमन पर ये बुलडोजर की रैली निकाली गई और बुलडोजर से स्वागत सीएम योगी का किया गया। बिलासपुर में तोखन साहू के पक्ष में उन्होंने ये रैली निकाली जिसके चलते ये बुलडोजर यात्रा के जरिए सीएम योगी का स्वागत किया गया। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी लेंगे, अमन हमारे साथ जुड़ गए। अमन, बिलासपुर में ये अनोखा नजारा देखने को मिला सीएम योगी को, यूं तो बाबा बुलडोजर के नाम से जाना जाता है, और उसी तरह का स्वागत बिलासपुर में भी बीजेपी ने किया। जी बिल्कुल शिवालिका, जो भारतीय जनता पार्टी है वो यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की जो छवि है बुलडोजर वाले बाबा की, उसको भुनाने का पूरा प्रयास कर रही है। लोकसभा चुनाव के ठीक पहले सबसे बड़ा अभी तक का जो भारतीय जनता पार्टी के जितने कार्यक्रम हुए उनमें सबसे बड़ी चुनावी रैली अभी तक की होने जा रही है उस चुनाव के लिहाज से, जिसमें योगी आदित्यनाथ आज बिलासपुर पहुँचेंगे और जो भाजपा के प्रत्याशी हैं तोखन साहू उनके पक्ष में चुनावी सभा करेंगे। उनके आने के ठीक पहले उनके स्वागत और उनके आने की सूचना के तौर पर भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ी बुलडोजर रैली निकाली। पूरे शहर में 30 से अधिक बुलडोजर जो है वो जगह जगह घूमते नजर आए और उनके साथ जो प्रचार वाहन थे, जो योगी आदित्यनाथ की आज सभा का प्रचार कर रहे थे, वो वाहन भी साथ में घूमते नजर आए। दरअसल योगी आदित्यनाथ के जो समर्थक है, जो उनके चाहने वाले बिलासपुर में बड़ी संख्या में है, तो इसलिए उन सबके बीच उनके आने की सूचना पहुंच जाए और अच्छी तरह से पहुंचे, पूरे जोश फरोश के साथ पहुंचे, इस चीज के लिए किया गया है। जो योगी आदित्यनाथ की छवि है, हिंदूवादी नेता, और जो उनकी बुलडोजर वाले बाबा की छवि है, इसको आज भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से भुनाने वाली है। जो सभा स्थल पर मंच बनाया गया उसमें भी श्री राम मंदिर अयोध्या की जो अनुकृति है वो बनाई गई है। वहाँ पर श्री राम मंदिर अयोध्या का जो पूरी कलाकृति है वो देखने को मिलेगी मंच से, और पूरे शहर भर में जो बुलडोजर वाले बाबा के नाम से उनके जो प्रचलित नाम है उसी को ध्यान में रखते हुए बुलडोजर रैली निकाली गई। इसके अलावा जो उनका स्वागत है वो भी जेसीबी और बुलडोजर से ही किया जाएगा, फूलों की वर्षा कराई जाएगी उनके ऊपर बुलडोजर से, और इसके अलावा बड़ी माला पहनाकर भी उनका स्वागत किया जाएगा। तो कुल मिलाकर जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो बहुत उत्साहित नजर आ रहे हैं योगी आदित्यनाथ के दौरे को लेकर, और इस दौरे के बाद जब वो सभा करेंगे और तोखन साहू के पक्ष में मतदान की अपील आज जनता से करेंगे, तो उसके बाद फायदा तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा ही, लेकिन जो योगी आदित्यनाथ की राष्ट्रीय स्तर पर एक राष्ट्रीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री है लेकिन राष्ट्रीय नेता की छवि एक तरह से उनकी है, तो उसे भुनाने का पूरा प्रयास जो है भारतीय जनता पार्टी के बिलासपुर के कार्यकर्ता करते नजर आ रहे हैं। जी अमन, तमाम जानकारी के लिए और चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो जैसा कि अमन ने कहा कि सीएम